नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक है टाइल एडहेसिव क्या है, क्या वाकई में ये बहुत जरूरी है टाइल लगाने के लिए या फिर एक मार्केटिंग गिमिक है। इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए मैंने इसको 5 डिफरेंट पॉइंट्स में बांटा है। हम एक एक करके उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। टाइल एडहेसिव क्या है, इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री, टाइल एडहेसिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके 5 मेन एडवांटेजेस, इसकी कॉस्ट कितनी आती है और क्या बिना टाइल एडहेसिव के यानी कि सीमेंट पेस्ट या सीमेंट मोर्टार से टाइल नहीं लग सकते। टाइल एडहेसिव्स को कुछ और नाम से जानते हैं, जैसे टाइल मोर्टार भी कहते हैं या थिन सेट मोर्टार भी कहते हैं। अपने यहाँ मेसन अक्सर इसे टाइल लगाने वाला केमिकल कह देते हैं। ये बेसिकली एक बॉन्डिंग मटीरियल है जो डिफरेंट टाइप के टाइल्स को डिफरेंट टाइप की सर्फेसेस सबस्ट्रेट्स के साथ चिपका के रखता है मजबूती से। जनरली ये पाउडर के फॉर्म में आते हैं जिसमें पानी मिलाने पर ये पेस्ट जैसा हो जाता है, जो टाइल के पीछे और सबस्ट्रेट यानी कि सरफेस के ऊपर लगाते हैं और फिर उसमें टाइल को सेट कर दिया जाता है। इस पाउडर में होता क्या है, इसमें होता है सैंड, ओपीसी सीमेंट और कुछ एडिटिव्स जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब अगर इसकी हिस्ट्री और रेवोल्यूशन की बात करें तो देखिए, सीमेंट का इन्वेंशन तो हुआ 1824 में और अगली सेंचुरी में यानी कि 20th सेंचुरी के आते आते ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन टाइल्स तो उसके सैकड़ों साल पहले से हैं। इसका मतलब है कि हमारे एंसेस्टर्स के पास कोई ना कोई टाइल एडहेसिव जरूर था। फिर आगे चलकर टाइल्स का इंस्टॉलेशन होने लगा लाइम, वाटर और सैंड के मिक्सचर से। 20th सेंचुरी में सीमेंट एक बेहद इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटीरियल बन गया। इनफैक्ट आज तो कोई भी बिल्डिंग बिना सीमेंट के आप सोच ही नहीं सकते। और एक बात बता दूं आपको, अर्थ में, इस प्लैनेट में जहां हम रहते हैं, वाटर के बाद सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला जो मटेरियल है वो है सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट ने लाइम को रिप्लेस कर दिया। इधर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही थी, नए मटेरियल आ रहे थे, नए मेथड आ रहे थे, नए चैलेंजेस आ रहे थे, टाइल्स भी इवॉल्व हो रहे थे। अब सिर्फ डेकोरेशन और वॉल के लिए टाइल्स नहीं थे बल्कि फ्लोरिंग के लिए एक मजबूत टाइल को भी आना था, बड़े साइज में भी टाइल आना था। और फिर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा गया कि जो कन्वेंशनल मेथड था ये सीमेंट मोर्टार और सीमेंट पेस्ट से टाइल लगाने का, वो इस नए तरह के टाइल्स के लिए ज्यादा ठीक नहीं था, इसमें चैलेंजेस थे। और फिर 1950-1960 के आसपास टाइल एडहेसिव बने। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इस तरह से टाइल एडहेसिव बने। आज अगर मैं इंडिया में बात करूं तो दुनिया भर में जो नामी गिरामी टाइल एडहेसिव बनाने वाली ब्रांड्स हैं वो सब मिल रही हैं। इतना ही नहीं, जो लोग टाइल एडहेसिव नहीं बनाते थे, सीमेंट वाले फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक या पेंट वाले जैसे एशियन पेंट, इसके अलावा छोटे छोटे लोग भी इस बिजनेस में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड काफी है, लोग इसका इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस तो होगा ही। तो ये हो गई हिस्ट्री। अब दूसरा पॉइंट है कि टाइल एडहेसिव इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अच्छी टाइलिंग के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। पहली ये कि जो टाइल और नीचे की सरफेस है सबस्ट्रेट, उन दोनों के बीच एक बहुत मजबूत बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट होते हैं या थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो स्ट्रेस क्रिएट होती है, टाइल एडहेसिव में एडजस्टमेंट की क्वालिटी होना चाहिए। सीमेंट और सीमेंट मोर्टार में नहीं होती। तो ये दोनों ही चीजें चूंकि टाइल एडहेसिव में डेवलप की गई, इसलिए टाइल एडहेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है और कई तरह के एप्लीकेशन के लिए ये जरूरी भी है। इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग सीमेंट पेस्ट और सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं टाइल फिक्स करने में, उसका क्या, उसका क्या? तो उसके कारण ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सीमेंट यूज करने के और भी कुछ कारण होंगे, जैसे जानकारी का अभाव, टाइल एडहेसिव की ज्यादा कॉस्ट और कन्विक्शन की कमी। दूसरी बात यह भी है कि कुछ तरह के टाइल्स कुछ एप्लीकेशन में सीमेंट पेस्ट या सीमेंट मोर्टार से लगाए जा सकते हैं, यानी टाइल एडहेसिव शुद्ध मार्केटिंग गिमिक नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है कि जानकारी के अभाव में, पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है, उसके कारण बहुत सारे लोग अननेसेसरली कॉस्टली टाइल एडहेसिव ले लेते हैं या उन तक लो क्वालिटी मटेरियल पहुंचता है। तीसरा पॉइंट था 5 मेन एडवांटेजेस। मेन 5 एडवांटेजेस में पहला है कि ये एक बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है बिटवीन द टाइल एंड द सर्फेस, सर्फेस मतलब सबस्ट्रेट। दूसरी बात है कि डिफरेंट तरह के टाइल और डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन और यूसेज एनवायरनमेंट के लिए डिफरेंट एंड एप्रोप्रिएट वैरायटी टाइल एडहेसिव में मिल जाती है, यानी कि वन सॉल्यूशन फॉर ऑल ऐसा नहीं है।
तीसरी बात है, मैंने पहले मेंशन किया था कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बॉन्ड भी बहुत मजबूत है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, ताकि जो भी स्ट्रक्चरल मूवमेंट या थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो स्ट्रेस क्रिएट होती है वो एडजस्ट हो सके और टाइल बिना टूटे बिना उखड़े अपनी जगह पे रह सके। चौथा बड़ा एडवांटेज है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। और पांचवी इसकी एक अच्छी बात है कि ये बड़ा स्मूथ पेस्ट होता है, इसकी वर्केबिलिटी काफी अच्छी है, काम करने में आसानी और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। क्या सीमेंट से टाइल्स बिल्कुल ही नहीं लग सकते, यानी कि बिना टाइल एडहेसिव के क्या कोई टाइल नहीं लगाया जा सकता? तो देखिए ऐसा नहीं है, कुछ टाइल्स सीमेंट से लगाए जा सकते हैं, वो टाइल्स जिनकी बॉडी में पोरोसिटी हो 3-5% से लेके 15% तक, और अगर आप वॉल में लगा रहे हैं तो उनका साइज बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो, उनका वेट ज्यादा नहीं हो, उनकी डेंसिटी कम हो। टाइल एडहेसिव के अभाव में उनको सीमेंट से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इस पोरस बॉडी के साथ में जो सीमेंट है वो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन सीमेंट से टाइल लगाते वक्त भी मेथड सही होना चाहिए, वर्कमैनशिप अच्छी होना चाहिए। और अब इस पॉडकास्ट का पांचवा और आखिरी पॉइंट, टाइल एडहेसिव की प्राइसिंग क्या है और कौन सा ठीक रहेगा? तो देखिए, जो सबसे ज्यादा टाइल एडहेसिव यूज होता है और बिकता है वो है सीमेंट बेस्ड एडहेसिव, हम उसी की बात करेंगे। ये 20 kg के बैग में आता है। प्राइसिंग की बात करें तो 300-400 रुपीस पर बैग से लेकर 1000 या उससे भी ज्यादा पर बैग की इसकी प्राइसिंग होती है। जितनी भी लीडिंग ब्रांड्स हैं वो कोई एक वेरिएंट नहीं दे रहे, आपको 3-6 वेरिएंट दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए अप्रोप्रिएट टाइल एडहेसिव का वेरिएंट आपको चुनना है। उनकी अपनी गाइडलाइंस भी है। इस 20 किलो के बैग में जो प्रीमिक्स पाउडर है उसमें है सीमेंट, ओपीसी सीमेंट, सैंड, और जैसे मैंने बताया था कुछ एडिटिव्स जिसमें से प्रमुख है पॉलीमर, और भी कई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंडिया में दुनिया भर की सभी जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं टाइल एडहेसिव्स की वो सब अवेलेबल हैं, और डजन्स ऑफ अदर प्लेयर्स आ गए, छोटे बीच के बड़े हर तरह के आ गए। प्राइसिंग में इतना कन्फ्यूजन है कि आपको 250 रुपीज़ में भी कोई बैग मिल जाएगा और 900 रुपीज़ में भी कोई दूसरा बैग बेच रहा है। इस सिचुएशन में होगा कन्फ्यूजन, नेचुरल है। तो आप क्या करें, वही जो अन्य चीजों में करते हैं, एक रेप्यूटेड ब्रांड का उसकी गाइडलाइन के हिसाब से जो वेरिएंट अप्रोप्रिएट है वो आप ले लें, या फिर आपके पास कोई जानकार आदमी है जो छाती ठोक कर बोले कि ये सही है और ये इसलिए सही है क्योंकि इसमें ये है और इसकी ये गारंटी है, तो आप वो भी ले सकते हैं जिसकी संभावना कम है। देखिए, प्राइस में डिफरेंस के 3 लॉजिकल रीजन हो सकते हैं। पहला ये है कि इंग्रेडिएंट जो है उनकी क्वालिटी क्या है, दूसरा उनकी क्वांटिटी क्या है, किस प्रोपोर्शन में डाला गया है, अगर पॉलीमर डाला गया है तो कितना डाला गया है, 1% या 6%। तीसरा है कि प्रोडक्ट कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो आज है वही कल रहना चाहिए। और फाइनली उस ब्रांड की रेपुटेशन। जैसा मैंने सीरीज के इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट में कहा था कि हम टाइल एडहेसिव के बहुत सारे पहलुओं को उजागर करेंगे इस सीरीज में। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले हैं कितनी तरह के टाइल एडहेसिव होते हैं, उनका टेक्निकल करेक्ट क्लासिफिकेशन, और कौन सा टाइल एडहेसिव आपके लिए किस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। इंटीरियर्स और बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को अपने नेटवर्क में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।